ओके हाय आशीष, मैं और आशीष हम फैमिली कजन्स के थ्रू मिले हैं एंड वी हैव मेट इन दिल्ली. तो फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा था, ही वेरी इनोसेंट. हाँ, और वही था एक्चुअल में. आफ्टर सम टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड ही इज़ गुड बाय नेचर एंड बेस्ट पार्ट इज़ फैमिली. हिज फैमिली इज़ रियली डाउन टू अर्थ एंड वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, विच आई गॉट टू सी इन एंगेजमेंट. एंड मम्मी पापा वेरी पोलाइट, वेरी सॉफ्ट. और मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद आए, उनकी फैमिली आशीष. सो इट्स लाइक वेरी गुड, जो मुझे अच्छा लगा. तो वी आर नाउ वी हियर, आई मीन वी गेटिंग मैरिड, थिंक इट्स मोर देन एनफ. हम फैमिली में हमारे प्यार, फाइट, हर चीज़ शेयर करना, सब चीज़ है. बट हम रहे नहीं, फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं किया. हम हॉस्टल में रहे, पापा के साथ खाना खाना एक प्लेट में, विच आई मिस. मम्मी का इतना केयर करना, सुबह बैठती हर चीज़, दैट्स वेरी केयरिंग. केशु का मुझे तंग करना और सुकन्या का एक्स्ट्रा केयर लाइक एल्डर सिस्टर, मतलब प्रोटेक्टिव रहना. बीइंग यंगर, शी इज़ लाइक एल्डर टू मी, शी ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम एवरीथिंग. मतलब इन चारों का बहुत इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में एंड होपफुली फ्यूचर में भी मिलेगी. होपफुली आई एम श्योर मिलेगा, बट हाँ आई मिस देम. सुजाता तो मेरी प्यारी प्यारी बढ़िया बिटिया थी, बड़ी बेटी. तो बचपन से इनको बहुत पाला पलोसा था. अब आई तो अभी इसकी विदाई कल परसों हो जाएगी. तो विदाई होने से भी अपने तो जैसे प्यार रहता था वैसा ही रहेगा, और जैसे हमने पाला पलोसा था वैसा ही रहेगा. कभी तो इसको भूल नहीं पाएंगे. एक थाली में हम लोग सवेरे खाना बनाएंगे तो एक थाली में ही खाएंगे, बाप बेटा माँ. और मेरी माँ बोलती थी कि तुम लोगों के घर में थाली नहीं है क्या? मैंने बोला थाली तो बहुत है, पर एक प्यार की तरह हम लोग खाते थे घर में भी, यहाँ भी, उड़ीसा में भी. अभी भी ऐसा ही है, ऐसा रहेगा और ऐसे ही खाएंगे. जब हम लोग एक साथ में रहेंगे तो एक ही साथ ही खाएंगे, और हम जब जाते हैं कहीं भी तो भी एक साथ में खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते. और कभी चाट खा लेते, सब खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं. फिर सब उसको बोलेंगे चाट बनाओ डैडी जी, तो जो भी परौठा हो चाहे मिक्सचर हो उसको खाएंगे पूरा एकदम. तो ये प्यारी बेटी गुड़िया, परसों तेरी विदाई है.
कोई बात नहीं, विदाई होने से क्या है, तू हमारे सीने में है, ऐसे रहेगी सीने में, कोई ऐसी नहीं, माँ को भी मेरे को भी, वो तो होता है, दुनिया का तो ऐसा ही संसार ऐसे बना है। तेरी माँ को भी तो मैं शादी करके लाया था, तू भी किसी की जाके घर बसाएगी ना, यही संसार का तो यही ही कारण है ना, यही तो एक दुनिया कैसे बढ़ेगी फिर, ऐसे संसार चलता है। तो और क्या बोलूं, मेरे पास तो और कुछ नहीं है बिटिया, तो पूरा और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज। तो जैसा कि आप जानते हैं, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। जब से मैं नहीं हूँ तब से वो हैं, और जब से मैं हूँ, मेरे को मेरी माँ ने एक बात बताई थी कि शी नेवर लेट मी डाउन। ओके, तो जब भी ये स्कूल से आती, लाइक जब मैं पैदा हुआ था, तो इसको और कुछ नहीं होगा, ये आके मेरे से लगेगी, इसे मुझे सोने नहीं देना है, मुझे आके तंग करना है। लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ इसने तंग किया, मैंने पूरी भरपाई की है और आगे भी करूँगा, नो वरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। बीइंग एल्डर सिस्टर, बीइंग एल्डर ब्रदर, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपको बताते हैं कि यहाँ पे मैंने गलती की तो तुम मत करना, लेकिन मेरे को बहुत जगह पे इसने ये भी कहा कि नहीं, देखो मुझसे भी इस जगह पे गलती हुई है, एंड इवन यू डू दैट, ठीक है, तभी आप समझोगे, ओनली देन यू विल लर्न। आप एक बार गिरो, ठीक है, आप वापस खड़े हो, एंड देन यू वॉक। तो वो सभी मेरे को सीखने में मिला, ठीक है, ज़्यादा सेंटी नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कहूँ, मेरा तो अभी मस्ती लगने का मन है, लेकिन फिर ये रो पड़ेगी, सो लेट्स नॉट डू दैट। ओके, सो बेसिकली दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग टू मिस हर, बिकॉज मेरे को पता है मैं थोड़े दिन में मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ती है, या तो मैं इसे कॉल लगा लेता हूँ, या तो मैं इसके पास पहुँच जाता हूँ। सो आई हैव नो वरीज, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं प्लान आउट कर लेते हैं घूमने के लिए, सो वी डू हैव अवर ओन टाइम, वी डू गिव अवर ओन टाइम, सो दैट्स इट। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी भीगू
ये तेरी मेरी बातें, ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें कल। ये तेरी मेरी बातें, ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम में लेना हमें कल। वैसे स्कूलिंग हमने साथ में करी है, साथ में रहे हैं मैं और मेरी सिस्टर, और बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, सो केयरिंग तो बहुत ज़्यादा है। और हर मुश्किल में ये हमारा सपोर्ट करती है और गाइड करती है हमें कि आगे ऐसा हो वैसा हो, बहुत साथ दिया है इसने। और अभी दिल्ली में भी है, मैं और ये साथ में रहते थे, जॉब करते थे, तो जर्नी इसके साथ बहुत अच्छी रही है। अब आगे भी जहाँ जा रही है इसकी जर्नी अच्छी रहे। मैं और मेरी सिस्टर ने जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट करी, हम दोनों को स्कूलिंग एक साथ कराई रायपुर छत्तीसगढ़ से। और जब भी मुझे कोई भी दिक्कत होती थी वो मेरा हर समय सपोर्ट करती थी। और हम दोनों स्कूल में हॉकी खेली है, फिर बहुत सारे गेम, हॉर्स राइडिंग, और पास आउट हो गई तब भी उनके साथ, मतलब जब स्कूल में थी साथ में रहती थी उनके क्लासमेट के साथ, और सबके साथ घुलना मिलना है उनका नेचर। मैं थोड़ी रिजर्व हूँ, मैं ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, वो मेरे को घुलाती मिलाती है सबके साथ। बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बहुत केयर करती है।